तू कैसे मर गई थी? पता कपड़ा क्या पहनी है तू? लाल रंग का क्या? सलवार सूट। कितने साल पहले तू मर गई थी? 20 साल। और इसको पकड़ा कितने साल से? 10। इसको कितने साल से पकड़ा? 10 साल। और किसको पकड़ा था? है? और किसी को पकड़ा नहीं था। इसको क्या परेशानी दिया? पट्टी खोलो। क्या तकलीफ दिया इसको? इस लड़की को तकलीफ क्या दिया? क्या तकलीफ दिया? माथा दर्द, यानी सर दर्द और पेट दर्द। पेट दर्द ये तुम दे रही थी या इसको कोई बीमारी है? कोई बीमारी नहीं। तुम दे रही थी। इसका शादी होने नहीं दिया क्यों? नहीं होने देंगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे, तब ना नहीं होने दोगी, हम तुम्हें मौत दे देंगे, मुक्ति, यहां मुक्ति मिलती है। तो ये आपकी कौन है? सिस्टर। सिस्टर, ये कितने साल से परेशान है? 15-20 साल से। कितनी एज हो गई इसकी? इसकी 35। आप हिंदी में बोलो। 35 से ऊपर हो गई है, 38 करीबन पहुंच चुकी है, शादी अभी तक नहीं हुई, और ये बोल भी रही है कि हम होने नहीं देंगे, भूत प्रेत बोल रही है होने नहीं देंगे। ये पढ़ी लिखी है कुछ? नौ तक ही पढ़ी है। आप कितना पढ़े हो? मैं 12 तक। कहाँ से आ रहे हो? कलकत्ता से। कितने भाभी बाबाओं को दिखाया है इसको? 3-4। क्या बोले वो लोग? वो लोग हाजिरी कर देते थे पर उतार नहीं सकते, मतलब और कुछ नहीं कर सकते, तो हाजिर कराने से क्या फायदा है जब उसे कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारे साथ और कितने हैं? 6-7। कोई बात नहीं, अभी पुष्टि भी हो जाएगा तो 6 कितने हैं सब क्लियर हो जाएगा। इसके पेट के अंदर भी है या सब ऊपरी है? करके को कोई खिलाया भी है? हाँ, चलो। कौन करके इसको खिलाया है? इसका दीदी का लड़की। इसका दीदी का लड़की, क्या नाम है उसका? क्या? आशा। क्या किस चीज में करके खिलाया है इसको? खीर में। अभी वैसे भी पंडित जी बता देते, ऐसे खुद ही स्वयं आत्मा बता दे रहा है, अच्छी बात है। तो इसकी क्या दुश्मनी थी? वो इसको देख नहीं पाती। अच्छा, वो इसको देख नहीं पाती, यानी इसकी की बहन की लड़की? आशा तो मेरा बहन लगती है, चचेरा। अच्छा, चचेरा बहन। ओ, तो चचेरा क्या सगे कर देते हैं तो चचेरा क्या हो जाए। चलो, कितने साल पहले खीर खिलाया है इसको? 10 साल पहले। ठीक है, अभी तुम लोगों को मैं मौत दे देता हूं, मुक्ति, मुक्ति समझते हैं? तो तुमको मारा कौन था ये तो बताओ। कौन जाति की हो? ब्राह्मण हो तुम लोग। और ये लोग कौन जाति के हैं? अच्छा, ये लोग राजपूत हैं। तुम्हारे बाप का क्या नाम था? हीरालाल। और तुम्हारा क्या नाम है? नीतू सिंह। और इस लड़की का क्या नाम है जिसके ऊपर हो तुम? इसका नाम नीतू सिंह है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा नाम क्या है? अनीता। अनीता, ये अनीता नाम की लड़कियां भूत ही प्रेत में ज्यादा कर नाम आता है, अनीता। बहुत सी पिक्चर भी बनी अनीता। बहरहाल, कितना पढ़ी लिखी हो? 7 पढ़ी हो। और ये कितना पढ़ी है? 7-8 ये पढ़ी है और 7 वो पढ़ी है। तो दस्तखत बनाने आता है तुमको ना? जब जिंदा थी दस्तखत बनाती थी ना, अभी फिर मैं तुमसे दस्तखत बनवाता हूँ। दस्तखत बनाओ, मैं तेरे को पता कैसे चलेगा कि तुम सिंह हो यानी ठाकुर हो, हमें को कैसे पता चलेगा? ये लो पेन, लो ये लो पेन, पेन ये पेन लिखो, दस्तखत लिखो, ऊपर 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 लिखो, ऊपर इधर देख के लिखो, ये लो, ये आंख खोलो देखो, ये जब जिंदा थी तब लिखती थी वैसा लिखो, नीचे देख के। हो गया तुम्हारा नाम? कितने साल पहले तुम मरी थी? 10 साल पहले जो मरी थी मैंने उसका दस्तखत करवाया। अभी ये जिंदा जो है उसका दस्तखत बनवाएंगे, ये होश में आएगी तब। ये राइटिंग वो राइटिंग फर्क है या नहीं ये जनता तय करेगी। आपका क्या नाम है?
अभी वही है, ये इसका नाम है, इसका नाम। आओ, इसके पहले क्या हुआ था आपके साथ कुछ पता है या नहीं पता है? चलो कोई बात नहीं। कितना पढ़ी लिखी है आप? कितना? 6-7। अब मैं ये दस्तखत को, पहले वाली दस्तखत को छिपा दिया। आप हिंदी लिखनी है, ये लिखो यहाँ दस्तखत करो, यहां से यहां तक दस्तखत करो। अब मैंने उसको छिपा इसलिए दिया है कि देख के राइटिंग ना हो कोई कर पाए, इसलिए पहले वाली आत्मा की मैंने छिपाया। और अब ये कैमरे को हम दिखाएंगे ये राइटिंग और वो राइटिंग में फर्क है या नहीं। बहुत फर्क है। फर्क है? पक्का? हाँ पक्का, बहुत फर्क है। चलो ये है नीचे जिंदा और ऊपर है मरी हुई आत्मा, राइटिंग फर्क है पक्का? हाँ। यही सबूत है यहाँ का? ये सबूत लोगों को कैसा लगता है? ये अभी आपने लिखा है, ऊपर वाला आपने लिखा है, ये कौन लिखा है ऊपर वाला कौन लिखा है? ये कौन लिखा है? ये भी आपने लिखा, ये भी आपने लिखा, तो राइटिंग अलग अलग कैसे है?